राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के पॉजिटिव थिंग में हम बात करेंगे दो बातों पे। वो दो बातें क्या हैं? पहली बात है इलेक्शन से संबंधित, जो हाल ही में 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए हैं उस पर संबंधित है, और सेकंड बात है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ पर जो मिमिक्री की गई है और जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव थिंग पे बात करते हैं। पॉजिटिव थिंग ये है, आपने देखा होगा, मुझे सबसे एक अच्छी बात ये लगी कि हाल ही में 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुआ था उनमें से 2 राज्यों की बात करूंगा मैं, एक राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है वो मतलब चेंजेस हुई है। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, अभी फ़िलहाल बीजेपी की पार्टी लीड की है और बीजेपी की सरकार बनी है। तो सरकार बनने के दौरान जो शपथ ग्रहण था, या फिर क्या बोलते हैं उसको, शपथ ग्रहण था शायद, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण के दौरान उपस्थित हुए। उस दौरान सबसे अच्छी बात ये लगी कि अब मुझे ये पता नहीं कि ये कोई रूल्स है या क्या है कि पूर्व सीएम को रहना जरूरी है नहीं है, पर सबसे अच्छी बात ये लगी कि उस दौरान पार्टी है ये बीजेपी की, प्रधानमंत्री हैं बीजेपी की, मतलब बीजेपी पार्टी के हैं, वो प्रधानमंत्री तो देश के हैं पर बीजेपी पार्टी से हैं। तो उस दौरान वहाँ पे 2 विपक्ष पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक थे राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बघेल साहब। तो मैंने देखा अशोक गहलोत से माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ मिलाए शपथ ग्रहण के दौरान, उनसे हाथ मिलाया, उनसे हाव भाव मतलब हाय हेलो हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक विपक्ष पार्टी जो शपथ ग्रहण का प्रोग्राम कर रहे उस दौरान एक दूसरी पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुका है वो आ जाए और वो ग्रहण करे और माननीय प्रधानमंत्री उनका आवभगत करें, कहने का मतलब हेलो हाय करें। तो ये एक स्वतंत्र लोकतंत्र, एक खुशहाल लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ये पॉजिटिव थिंग जो जनता होती है उसको बहुत इम्पेक्ट करती है। तो ये थी फर्स्ट बात। तो साथियों, आपको क्या लगा इस प्रकार की ये जो मूमेंट था प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत और बघेल जी के बीच, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ दूसरी बात करूँगा मैं, दूसरी बात थी जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, उनकी मिमिक्री कर रहे थे कोई, तो उससे संबंधित है। देखिए, तो यहाँ पे एक बात, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है ना, ये किसी की सोच या कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी मिमिक्री की गई, मैं किसान का बेटा हूँ, जाट समुदाय से आता हूँ, तो उनका मतलब क्या कहना चाहिए, उनकी मतलब छवि खराब की गई, ऐसा कुछ। तो देखिए, पहली बात कि मिमिक्री अगर किए हैं वो बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। वीडियो शूटिंग करना ये सब बिल्कुल निम्न लेवल की बात है, पर ये गलत तो है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि मेरे जाट समुदाय का उन्होंने क्या बोलते हैं उसको मिमिक्री की, किसानों का अपमान किया, किसान के बेटाओं का अपमान किया। ये पर्सनल चीज़ें नहीं, गलत बात है। ये तो पहली बात, उपराष्ट्रपति जी का मिमिक्री नहीं करना चाहिए, इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए, जो सरासर गलत है। पर इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि उपराष्ट्रपति जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि उन्होंने पूरे जाट समुदाय की बदनामी की, जाट समुदाय की नकल की, मिमिक्री की, किसान के बेटाओं को दुख हर्ट किया, किसान के बेटाओं की मिमिक्री की। थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना भाई। अगर आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति से किसी समुदाय को लेकर चल जाएं तो ये तो गलत बात है। अगर ऐसा है राष्ट्रपति जी, अगर आप जाट समुदाय से थे और आपकी मिमिक्री करने से अगर पूरा जाट समुदाय इसमें संलिप्त हो जाता है, तो फिर अभी हाल ही में साक्षी मलिक ने ट्वीट कर दिया कुश्ती को, क्या उससे सारे जाट समुदाय के लिए गलत बात नहीं है? क्या पूरा जाट समुदाय के साथ गलत नहीं हुआ? आप तो सत्ता पक्ष में हैं, मतलब आपकी पार्टी सत्ता पक्ष में है, आप पूरे जाट समुदायों का ध्यान रख सकते थे। दूसरी बात, किसान आंदोलन पूरे साल 1.5 साल चला, तब किसी किसान आंदोलन
या किसान या किसानों के बेटे के लिए नुकसानदायक नहीं था। आज छोटी सी बात, छोटी सी चीज़ के लिए आप पूरे किसान भाई, किसान के बेटे, पूरे जाट समुदाय को मिला लिए अपने लिए, तो मुझे ये समझ नहीं आया। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या आपकी राय है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।